तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के इस हफ्ते के सारी शो की व्यूअरशिप के बारे में, रॉ, स्मैकडाउन, NXT, AEW की व्यूअरशिप के बारे में। इस हफ्ते के सारे शो खत्म हो चुके हैं, कह सकते हैं अच्छे शोज हमें देखने मिले इस हफ्ते, सारी शो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन अब बात करते हैं व्यूअरशिप के बारे में, व्यूअरशिप में WWE को फ़ायदा हुआ है या फिर नहीं, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक ज़रूर कर देना। तो आज फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस बात करें यहाँ पर सबसे पहले शो के बारे में, मंडे नाइट रॉ के बारे में, तो इस हफ्ते के रॉ के एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ देखा था, मतलब ड्रू मैकइंटायर भी थे शो के ऊपर, साथ ही हमने एक मतलब मेन इवेंट में मैच देखा था रैंडी ऑर्टन केविन ओव्स का हुआ था, और वहाँ पर हमने देखा था रैंडी ऑर्टन ने अटैक कर दिया था रिक फ्लेयर के ऊपर। साथ ही शो के ऊपर काफ़ी कुछ और भी था, डोमिनिक के ऊपर काफ़ी बुरा अटैक हुआ था, तो कह सकते हैं शो इस बार भी अच्छा हमें देखने मिला था। लेकिन व्यूअरशिप की बात करें तो यहाँ पर व्यूअरशिप WWE की बढ़ चुकी है, बड़ी तो इतनी है कि मतलब मैं आपको क्या बता दूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ इस हफ्ते की उनकी व्यूअरशिप गई है, वो गई है 1.722 मिलियन व्यूअर्स, और बात करें लास्ट वीक की तो वो थी 1.715, तो यहाँ पर ये 0.4% इनकी व्यूअरशिप बढ़ी है। तो आप देख सकते हो WWE की व्यूअरशिप मतलब कैसे बढ़ रही है, मतलब 0.4%, 1% व्यूअरशिप भी बढ़ी नहीं है, मतलब कितनी कम बढ़ी है, कह सकते हैं मतलब बराबर ही है लास्ट वीक से, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं है। और WWE अच्छे अच्छे शो दे रही है, लेकिन अब व्यूअरशिप के अंदर फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसमें WWE की भी कुछ गलती नहीं है, चक्कर हुई है, क्योंकि शो हो रहे हैं परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, काफ़ी सारे लोग अपना इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट की कोई गलती नहीं है। इस मतलब क्या कहते हैं, प्रोडक्ट तो WWE का सुधर चुका है, काफ़ी अच्छे अच्छे एपिसोड हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन व्यूअरशिप यहाँ पर उनकी मतलब इस हफ्ते बढ़ी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम बढ़ी है। अगले शोज़ की बात करें यानी कि गाइस NXT और AEW डायनामाइट के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करें NXT के बारे में, तो इस हफ्ते के शो में भी काफ़ी कुछ था, जहाँ पर ओपनिंग में कैरियन क्रॉस और कीथ ली के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जहाँ पर कीथ ली के मतलब वो देखा था हमने, फायर वगैरह हो गया था काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी मतलब खतरनाक था वो। साथ ही शो के ऊपर हमने फिर से क्वालिफाइंग मैचेस भी देखे थे, नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के वेलवेट ड्रीम का रिटर्न हमें देखने मिला था। तो बात करें व्यूअरशिप के बारे में, तो गाइस यहाँ पर जो व्यूअरशिप है NXT की वो 18% नीचे आ चुकी है, क्योंकि इस हफ्ते की जो उनकी व्यूअरशिप गई वो गई 6,19,000, और लास्ट वीक की उनकी व्यूअरशिप थी 7,53,000, तो यहाँ पर ही 18% व्यूअरशिप घट चुकी है, तो काफ़ी आना इस हफ्ते बुरा हाल हुआ है NXT का। लेकिन बात करें AEW डायनामाइट के बारे में, तो इस हफ्ते का शो उनका भी काफ़ी ज़्यादा सही था, TNT टाइटल का हमने न्यू लुक देखा था, क्रिस जेरिको ऑरेंज कैसिडी का मैच था, तो उनका भी शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बात करें उनकी व्यूअरशिप के बारे में, तो उनकी भी यहाँ पर व्यूअरशिप घटी है, 12% घटी है, लेकिन जो व्यूअरशिप है वो NXT से ज़्यादा ही है, क्योंकि इस हफ्ते उनकी व्यूअरशिप गई है वो गई है 7,92,000, और लास्ट वीक की उनकी व्यूअरशिप थी वो थी 9,01,000, तो यहाँ पर व्यूअरशिप तो इनकी भी घटी है, लेकिन अभी भी NXT से इनकी व्यूअरशिप आ गई है, और दोनों से कह सकते हैं AEW काफ़ी ज़्यादा सही काम हाल कर रहा है, जहाँ पर उनकी व्यूअरशिप मतलब घट रही है, लेकिन फिर भी NXT ज़्यादा ही है। और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कह सकते हैं शॉट भी लिया था इसी व्यूअरशिप को लेकर, जहाँ पर उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर ये वाली GIF वगैरह डाली थी, और आप मतलब जो वो डेमोग्राफिक वगैरह दिखाते हैं उसको भी यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर इस व्यूअरशिप पर मतलब क्रिस जेरिको ने भी मज़े ले लिए, और यहाँ पर जो डायनामाइट की व्यूअरशिप है वो इस हफ्ते भी आगे ही रही है। बात करें गाइस लास्ट शो के बारे में यानी कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, इस हफ्ते का स्मैकडाउन का एपिसोड भी काफ़ी सही हमें देखने मिला था, जहाँ पर हमने देखा था रेट्रीब्यूशन की फिर से तबाही हमें देखने मिली थी, साथ ही हमें एक बैटल रॉयल देखने मिला था, फीड और ब्रॉन स्ट्रोमन का कन्फ्रंटेशन देखने मिला था, ब्रॉन स्ट्रोमन का न्यू लुक था, ब्रॉन स्ट्रोमन अटैक भी करता था अलेक्सा ब्लिस के ऊपर, तो इस हफ्ते का स्मैकडाउन का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा सही था। बात करें व्यूअरशिप के बारे में, तो यहाँ पर भी इनकी व्यूअरशिप बढ़ी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कितनी बढ़ी है, इस हफ्ते इनकी व्यूअरशिप गई है वो गई है 1.979 मिलियन व्यूअर्स, और बात करें लास्ट वीक की तो वो थी 1.962, तो यहाँ पर ये 0.9% व्यूअरशिप बढ़ी है, तो कह सकते हैं यहाँ पर भी कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं है स्मैकडाउन को, रॉ की 0.4% और यहाँ पर 0.9%, ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी व्यूअरशिप चलो बढ़ी है, घटी तो नहीं है। तो यहाँ पर स्मैकडाउन और रॉ का इस हफ्ते ये हाल रहा है, और NXT की व्यूअरशिप भी घटी है, तो कह सकते हैं WWE के सारे शो इस हफ्ते के मतलब शो तो अच्छे थे, लेकिन रेटिंग्स के मामले में यहाँ पर मतलब WWE को घाटे हुआ है, यहाँ पर इनकी व्यूअरशिप घटी है। तो इसके बारे में कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं कि आपको इस हफ्ते का कौन सा शो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, रॉ, स्मैकडाउन, NXT या फिर AEW डायनामाइट, तो इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही गाइस इस वीडियो को लाइक के बिना कहीं नहीं आना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही उस बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।